हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग अशोक लेलैंड लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक चैनल अच्छा खासा बनाया था जिसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया, और इस ब्रेक डाउन का यहाँ पे फेब मंथ के सेकेंड लास्ट वीक में यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन हुआ है हम सभी को पता है ग्लोबली रीजन के कारण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये अच्छी जगह से रिट्रेस लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग इसमें वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो अगर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि अगर ये जिस लेवल से यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे, ये अगर फिबो के हिसाब से देखा जाएगा तो 50% का यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लगा के जा रहा है। तो ये यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि यहाँ इस लेवल से अगर ऊपर की ओर निकलता है तो अच्छे से यहाँ से और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है, जैसा कि हमें पता है कोई भी शेयर जब नीचे आता है तो डब्ल्यू टाइप का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये शेयर फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। आप इसका जाके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं और चीज़ चेक कर सकते हैं, उसके बाद इसमें एक निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसमें अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना हो तो ये एक सही लेवल हो सकता है जिसमें हम लोग अपने पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया और फिर से नीचे जाके फिर से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कोशिश है हो सकता है कामयाब हो जाए और यहाँ पे हम लोग को कुछ पैसे दे के जाए। तो मैंने इसमें पोजीशन बना लिया है, मेरा पोजीशन 105 के आसपास है, ठीक है। मेरा जो पोजीशन है 105 के आसपास है और यहाँ पे मेरे पास लगभग 100 क्वांटिटी है इस शेयर की। तो आप देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, और क्योंकि अगर ये कल के दिन मान लीजिए आज यहीं पे क्लोजिंग दे देता है 107.3 के नीचे, और कल के दिन इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है 107.30 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो जैसे ही ब्रेक करे बाई कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 103.6 के नीचे लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग बाई करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट 1014 होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इस कैंडल का नीचे। तो यहाँ पे एक लास्ट स्विंग मिल गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट यहाँ पे। तो इसके हिसाब से जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा बहुत ही अच्छा बैठेगा, और मुझे लग रहा है ये जब निकलेगा तो यहाँ से इसे ब्रेक करके फिर से अपने ही जो रेंज में जिस चैनल में था चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहीं पे अगर यहाँ पे कुछ फिर से नीचे आने का प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिनारियो बन रहा है। अब देखिए इस शेयर में किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इस लेवल से ये शेयर अच्छा लग रहा है, और जिस तरीके से ये ऊपर का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये लग रहा है और ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास देखा जाएगा तो यही एक रेजिस्टेंस जोन है, यही एक रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है, अब आज या फिर कल कोई भी अगर इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है तो पोजीशन बना सकता है, ठीक है। वैसे आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही कोई पोजीशन बनाना चाहिए, आप सभी को पता है अशोक लेलैंड शेयर के बारे में। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।